वेलकम टू माई चैनल देसी गर्ल इन यूएस। तो गाइज आज हम आए हैं नापा काउंटी। अभी राइट नाउ हम पार्क में बैठे हुए हैं और आप सोचोगे नापा काउंटी है क्या चीज़। तो गाइज ये वर्ल्ड फेमस वाइनरी प्लेस है। यस, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वी आर लकी कि हमारे घर से थोड़ा पास है, बट ये बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है। यहाँ पे रहना, खाना, पीना हर चीज़ कॉस्टली है। यहाँ पे आना है तो हर चीज़ रिजर्वेशन करानी पड़ती है। अगर आपको वाइनरीज पे जाना है, यू नो, ड्रिंक करना है, टेस्टिंग करनी है, उसके लिए भी रिजर्वेशन रिक्वायर्ड होते हैं। बट हाँ, फॉर अस लाइक वी डोंट हैव टू डू टेस्टिंग। मैं जस्ट आपको टूर कराने वाली हूँ यहाँ के अंगूरों के खेतों की, बिकॉज ये बेस्ट टाइम है सितंबर का, ये हार्वेस्टिंग टाइम है। मैं आपको अंगूरों के खेत दिखाने वाली हूँ और हाँ, यहाँ की बेस्ट वाइनरीज दिखाने वाली हूँ जहाँ पे प्रीमियम वाइन्स मिलती हैं। लेट्स गो गाइस। तो गाइस नापा के अंदर 400 वाइनरीज हैं, बट आज हम कवर करेंगे दो वाइनरी जो कि बहुत फेमस वाइनरीज हैं। फर्स्ट वाइनरी है फ्रेंच वाइनरी जिसका नाम है डोमेन कारनरोस। ये 1987 में बनी थी, इसको टोटल 33 इयर्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी, अगर आपको दिख रहे हैं अंगूरों के खेत। यस, और पूरा वाइनयार्ड बना हुआ है। सेलिब्रेट करने आते हैं और एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेस है। यस, तो यहाँ की एक अलग ही फीलिंग आती है। देख रहे हैं मेरे पीछे, अगर आपको दिख पा रही है तो मेरे पीछे ये है फ्रेंच वाइनरी। यहाँ पर किड्स अलाउड नहीं है, 18 इयर्स एज होनी चाहिए आपको यहाँ पे आने के लिए। और यहाँ पे फ्रेंच स्टाइल वाइन मिलती है, स्पार्कलिंग वाइन, शैम्पेन बेसिकली। यहाँ पे आप देखेंगे हर वाइनयार्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंगूर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वाइन होती है डिफरेंट वाइनरीज में डिफरेंट टेस्ट की। तो चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस नापा इज नॉट ओनली फॉर वाइन टेस्टिंग, वो बेसिकली एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। ऑनर बड़ी पैशन से वाइनरी को बनाते हैं ताकि जो कस्टमर है वो एक्सपीरियंस जो लेके जाए वो मेमोरेबल हो, चाहे वो उसका बर्थडे फंक्शन हो या हनीमून हो। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल इंटीरियर है और आउटसाइड सिटिंग भी है। तो गाइस मैंने आपको यूएस में फ्रांस घुमाया, अब मैं आपको लेके चल रही हूँ ईरान। यस, तो इसके जो फाउंडर हैं वो ईरान बॉर्न एंड रेज्ड हैं। वो कोशिश की है कि यहाँ की जो वाइन्स है वहाँ पे ईरान का फ्लेवर आ सके, तो यहाँ पे प्रीमियम वाइन्स मिलती हैं। आप देख सकते हैं वाइन्स भी कितनी डिफरेंट लग रही हैं, नॉर्मली हमने इस टाइप की बोटल्स नहीं देखी हैं, तो यहीं पे ये मिलती हैं। और आई थिंक इट विल बी वेरी कॉस्टली। इसका जो टेस्टिंग के रेट्स होते हैं ये स्टार्ट होते हैं $35 to $75। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है अंदर से, ये इसका टेस्टिंग एरिया है और यहाँ पर गाइडेड टूर भी मिलते हैं। वाइनरी में चलूँ, बहुत ब्यूटीफुल वाइनरी आप देख सकते हैं। वाओ गाइस, तो गाइस आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े बॉक्स, इनके अंदर ग्रेप्स को फर्मेंट किया जाता है वाइन बनाने के लिए। और अब अगर हम नीचे चलते हैं तो हम वहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर वाइन्स बना के उनको एज किया जाता है, बिकॉज जितनी ज़्यादा एज्ड वाइन होती हैं उतनी ज़्यादा फेमस होती हैं। मैं आपको नीचे चलकर दिखाती हूँ। वाइन्स को बेसमेंट में स्टोर करके रखते हैं एज करने के लिए, ताकि ह्यूमिडिटी से ख़राब ना हो, और इन वुडन बॉक्सेस के अंदर रखते हैं।
चलते हैं इसके वाइन यार्ड की तरफ और हम देखते हैं कि यहाँ पर किस टाइप के अंगूर होते हैं जिसकी ये वाइन्स बन रही हैं। गाइज आप देख सकते हैं ये अंगूरों के गुच्छे लगे हुए हैं, इन्हीं से वाइन्स बनती हैं। बहुत ही टेस्टी अंगूर है, सो यमी गाइज। अब देखिए गुच्छे पे गुच्छे लगे हैं बट यहाँ इन्हें कोई तोड़ता नहीं है। एक्चुअली यहाँ लोग अंगूर खाने नहीं आते, मोस्टली वाइन पीने आते हैं। हम जैसे लोगों को अंगूर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वाइन नहीं। तो मुझे तो अंगूर बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं भर भर के खाने वाली हूँ। नाइस ना अंगूर। आप देख सकते हैं अभी हम डाउनटाउन में आ चुके हैं और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि डाउनटाउन एरिया कैसा है। गाइस मैं आपको नापा का मार्केट दिखाती हूँ, ये डाउनटाउन एरिया है नापा का। तो हम घूमेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या खाने के ऑप्शन है। गाइज ये मार्केट था नापा का, कोई मार्केट है क्या क्या है नहीं, मतलब बहुत लेविश मार्केट है। मस्त चॉकलेट्स, ब्रांडीज, वाइन्स सब कुछ है यहाँ की। बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है नो, एक तो सबसे बड़ी बात है गर्मी नहीं लग रही बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है। गाइज हमने ख़रीदा है ये पिस्ताशियो नट मिल्क और साथ में इटालियन बटर हॉर्न एंड वन कप केक। ये हम खाने वाले हैं, हम खाना खा के आए थे तो इसलिए हम जस्ट स्नैक्स लेने वाले हैं। तो मैंने रेड वेलवेट कप केक लिया है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।